1600 बजे हमारे एक जवान ने चार लोगों की फेरन में मूवमेंट देखी। इतनी गर्मी के समय में फेरन में मूवमेंट सस्पिशियस था। 24 घंटे चले इस ऑपरेशन में चार टेररिस्ट मारे गए। चार टेररिस्ट का इस तरह से मारा जाना वन सेक्टर के एरिया में और साउथ कश्मीर में टोटल 6 टेररिस्ट का मारा जाना हिजबुल मुजाहिदीन तंजीम के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। 6 जुलाई की सुबह खबर आई कि ये टेररिस्ट ग्रुप मदरगांव गांव के अंदर एक घर में बैठे हैं। इस मकान में तलाशी ले रहे थे तो मकान के अंदर बने एक हाइड आउट के अंदर से टेररिस्ट ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। ये ऑपरेशन 24 घंटे से ऊपर चला और इसके अंदर हिजबुल मुजाहिदीन के 2 टेररिस्ट को मार गिराया। इस इलाके में मूवमेंट की खबर काफ़ी दिनों से आ रही थी और हमने अपने सारे एजेंसीज के साथ और आर्मी ने अपने सर्वेलेंस डिवाइसेस और सोर्सेज की मदद से पूरे एरिया पर निगरानी रखी थी। 6 तारीख को हमें टेररिस्ट के मूवमेंट की एक सटीक खबर चिनीगाम इलाके में मिली और खबर मिलते ही 6 तारीख की 1500 बजे शाम तक कॉर्डन लग चुका था। 1600 बजे हमारे एक जवान ने चार लोगों की फेरन में मूवमेंट देखी। इतनी गर्मी के समय में फेरन में मूवमेंट सस्पिशियस था और ये लगते ही हमने उन लोगों को चैलेंज किया और चैलेंज करते ही उन्होंने भारी फायरिंग शुरू कर दी, जिनमें उन्होंने AK-47 और हैंड ग्रेनेड का इस्तेमाल किया। ये फायरिंग इस फायरिंग का हमारे पार्टीज ने बखूबी उसका जवाब दिया, जिसके इसी एक्सचेंज ऑफ फायर में हमने अपने बहादुर सिपाही को भी खोया। 24 घंटे चले इस ऑपरेशन में चार टेररिस्ट मारे गए। इन टेररिस्ट का नाम आपको DIG साहब पहले ही बता चुके हैं। इनमें यावर डार, जाहिद डार, शकील वानी और ताहिद राठर शामिल है। ये ऑपरेशन कंक्लूड करने के बाद सर्च के दौरान हमें तकरीबन 6 KG की एक ID भी मिली, जिसे कोलैटरल डैमेज को ध्यान में रखते हुए तत्कालीन तौर पे इन सिटू वहीं बर्बाद कर दिया गया। ये ऑपरेशन हम सारी एजेंसीज के बीच में कोऑर्डिनेशन को दर्शाता है और चार टेररिस्ट का इस तरह से मारा जाना वन सेक्टर के एरिया में और साउथ कश्मीर में टोटल 6 टेररिस्ट का मारा जाना हिजबुल मुजाहिदीन तंजीम के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। मैं सारी एजेंसीज का और कश्मीर के अवाम का उनकी सहयोग के लिए हमेशा शुक्रगुजार हूं और आशा करता हूं कि इसी सहयोग से हम और सक्सेसफुल ऑपरेशन करेंगे और कश्मीर में शांति बहाली में आर्मी अपना इसी तरह से रोल निभाती रहेगी। थैंक यू। इससे पहले मैं आपको ऑपरेशन के बारे में ब्रीफ करूं। मैं लास्ट नाइक प्रदीप कुमार, 9-1 Para SF, इनको श्रद्धांजलि देना चाहूँगा जिन्होंने ऑपरेशन मदरगांव में अपने अद्वितीय साहस का परिचय देते हुए वीरगति को प्राप्त किया। पिछले 2 महीने से भारतीय सेना और जम्मू एंड कश्मीर पुलिस साथ मिलके HM का इस ग्रुप को ट्रैक कर रही थी, जो कि शोपियां और कुलगांव के बॉर्डर पे हरकत करता था। हमें एक बड़ी सफलता तब मिली जब 6 जुलाई की सुबह खबर आई कि ये टेररिस्ट ग्रुप मदरगांव गांव के अंदर एक घर में बैठे हैं। इसके पश्चात तुरंत भारतीय सेना की 9वीं राष्ट्रीय राइफल, 1 Para SF, 7 Para SF, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस और 118 CRPF बटालियन की टुकड़ियों ने एक साथ मदरगांव में जॉइंट ऑपरेशन लॉन्च किया। ये ऑपरेशन के दौरान हमारे ट्रूप्स ने बहुत ही तेजी और होशियारी से सरप्राइज हासिल करते हुए जो टारगेट हाउस था उसको घेरे में ले लिया और इसके बाद टेररिस्ट के पास भागने का कोई गुंजाइश नहीं बची।
इसके बाद जितने भी सिविलियंस उस इलाके में थे उनको सेफ्टी से इवैक्यूएट किया गया और सुरक्षित स्थान पे ले जाया गया। और तकरीबन 1300 आस पे जब हमारे जवान इस मकान में तलाशी ले रहे थे तो मकान के अंदर बने एक हाइड आउट के अंदर से टेररिस्ट ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग का जवाब दिया गया और टेररिस्ट को वहीं पिन डाउन कर दिया गया और उनको किसी भी तरीके से भाग निकलने की कोई चांस नहीं मिला। इसके बाद ये ऑपरेशन 24 घंटे से ऊपर चला और इसके अंदर हिजबुल मुजाहिदीन के 2 टेररिस्ट को मार गिराया, जिसमें आदिल हुसैन वानी जो कि एक टॉप HM के कमांडर हैं वो थे और ये काफ़ी समय से सक्रिय थे, जैसा आपको DIG साहब ने बताया। इन्होंने कई सारी आतंकी घटनाओं को भी अंजाम दिया हुआ था। ये ऑपरेशन जो इन दोनों टेररिस्ट से और जो हाइड में हमें भारी मात्रा में सामान मिला, असला बारूद, ये एक हिजबुल मुजाहिदीन के लिए बहुत बड़ा झटका है। जैसा कमांडर वन सेक्टर ने भी बताया कि 2 ऑपरेशन में 6 हिजबुल मुजाहिदीन के टेररिस्ट मारे जाना, ये एक उनके लिए और ख़ासकर उनकी ऊपर की लीडरशिप ख़त्म होना, ये एक बहुत बड़ा झटका है, जिससे मेरे को लगता नहीं है कि हिजबुल मुजाहिदीन ग्रुप काफ़ी समय तक इससे उभर पाएगा। लेकिन इस ऑपरेशन का श्रेय मैं कश्मीर की जनता और ख़ासकर कुलगांव की जनता को देना चाहूँगा, जिन्होंने ना सिर्फ हमें इसकी इन टेररिस्ट के वहाँ होने की इतला दी, बल्कि पूरे जितने समय ये ऑपरेशन चला उसमें अपना पूरा सहयोग और योगदान प्रदान किया।